हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो का थोड़ा अलग होने वाला, मतलब व्लॉग नहीं होने वाला है, यहीं पे बैठे बैठे हम सारी वीडियोस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कुछ कपड़े जो कि हमारे पास आए हैं बहुत दूर से, किन्नौर से। और पहले मैं आपको इनकी आईडी बता दूँ, स्नो ड्रॉप करके इनकी आईडी है। और अगर आपको जो मैं आपको आज के वीडियो में दिखाऊंगी उनमें से कुछ भी पसंद आता है तो आप इनकी आईडी दे रही हो, मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दे रही हूँ, इस पर स्क्रीनशॉट लेके या इंस्टा पर इनको मैसेज करके आप अपना ऑर्डर उधर दे सकते हो, जो भी आपको पसंद आ रहा है। और एक बात और, हाँ, आपको जितनी ज़्यादा क्वान्टिटी में लोगे ना चीज़ें, उतना ज़्यादा डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो चलो सबसे पहले मैं देख लेती हूँ कि है क्या क्या। वैसे ये ऑलरेडी खोल रखे हैं बट ये मैंने नहीं खोले हैं, मैंने अभी तक नहीं देखा कि इसमें क्या है क्या नहीं है। ये किसी और से लेने भेजे मैंने, जिसने ये लिए उसने ये खोल दिए कि मेरे से वेट नहीं हो रहा है कि देखूँ तो सही, तेरे लिए इतनी दूर से आया क्या है। तो चलो अब मैं सोचा कि मैं तो आप लोगों के साथ ही खोलूँगी, देखूँगी कि क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले यही ऊपर खुला है इसमें एक इस पैकेट में, तो इसको ही खोलते हैं पहले। यार सबसे पहले तो ना ये टॉवल अच्छा नहीं लग रहा है, पहले नहीं देखा मैंने। तो चलो अब मैं इनको खोलती हूँ। पहले मैंने देखा ही नहीं कि जब मैंने टॉवल लटका रखा, अभी मैंने जस्ट चेक किया कि मैं आ रही हूँ वीडियो में, नहीं तो मैंने देखा कि भाई टॉवल बड़ा लटका हुआ है। वाओ, पता है मैंने अभी तक एक आंख भी नहीं झांका था इसमें कि क्या होएगा क्या नहीं होएगा। तो मैं दिखाती हूँ आपको, कुर्ती है। वाह, ओ माय गॉड, कितनी सुंदर है इसका मटेरियल। ये देखो इस तरह की ब्लैक कलर में है, ये इसके स्लीव्स, जॉर्जेट मटेरियल है। देखने में लग रहा होगा ना गरम है बट नहीं, ये इसका जो मतलब कढ़ाई ऊपर से इसमें कढ़ाई हुई है और इसका जो नीचे वाला मटेरियल है, क्या बोलेंगे इसको, बेस जो भी है, मतलब वो जॉर्जेट में है। और ये हमारी कुर्ती है, ये इसकी फ्रंट में इस तरह का है, फ्रंट और बैक मतलब एकदम वो कश्मीरी जैसे वो फिरन फैरन जो भी उनको बोलते हैं, ठीक है, उसकी तरह है। फिरन या फिरन बोलते हैं बट हमारे तो उनको फैरन ही बोलते हैं ये कुछ, ठीक है, उसकी तरह है बट वो आपके विंटर्स में लगेंगे, आपके समर्स वाले समझ लो, बहुत ही सुंदर है। और ये अंदर इसमें ये सारा जॉर्जेट का है और आपको इसमें लाइनिंग भी लगी हुई मिलेगी। तो लेंथ वेंथ बहुत बढ़िया है इनकी। और क्या होता है एक ड्रेस में, देखो स्लीव्स भी लंबे लंबे हैं। बाकी ना आप अपने अकॉर्डिंग इनको मैसेज करके स्टिच भी करवा सकते हो जैसा आपको पसंद हो। तो इसको ट्राई करके आते हैं फिर दिखाते हैं नेक्स्ट आपको कि नेक्स्ट किस तरह का है। ये थी हमारी पहली कुर्ती, अब बढ़ते हैं अपनी दूसरे की तरफ। दूसरा वैसे मैंने झांक लिया इसमें क्या था, जब तक आप ये वीडियो देख रहे थे ना कि मैं कैसी लग रही हूँ क्या आप इस कुर्ती में, तब तक मैं दूसरा पहन लिया था। तो दूसरी हमारी है रेड कलर में, और पता है ये ना मुझे सेम वही कश्मीर वाली वाइब्स दे रहा है जब हम श्रीनगर गए थे, उस टाइम मैंने वहाँ पे देखा था ऐसे ऐसे, जो मैं एक रेड सूट लेकर आई हूँ वहाँ से, वो भी कुछ ऐसा ही मटेरियल है। मतलब हम मैंने इधर जो जॉर्जेट देखा ना बहुत ही गंदा सा, मतलब जो हम ये चिकनकारी कुर्ती भी पहनते हैं जॉर्जेट वाली, उसका मटेरियल बहुत ही चीप सा होता है, मतलब कहीं एक वो लग जाए ना धागा आपका निकल जाएगा। लेकिन इसमें जो ये जॉर्जेट वाला मटेरियल यूज़ हुआ है ना, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सॉलिड सा है, ऐसा नहीं है कि कहीं लग जाएगा तो धागा निकल जाएगा। तो ये है हमारी मरून कलर में कुर्ती सेकंड, सेम इसी तरह की है। वाह यार कितनी सुंदर कुर्तियां है ये, मेरा जो सारा पूरा वो इसमें निकल जाएगा। और स्लीव में भी आगे इसके इसमें इस तरह का मस्त सा ये वर्क हुआ है, और सेम है इस तरह की बैग, ये इसका बैक है और ये इसका फ्रंट है। तो मैं एक बार आपको फिर से बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग भी इस तरह की कुर्तियाँ ऑर्डर करना चाहते हो तो यहाँ पे इनकी आईडी दे रही हूँ, प्लीज़ इनको मैसेज करो क्योंकि बहुत ही सुंदर है यार, मतलब देखने में लग रहा है ना कि एकदम
मोटी है, बिल्कुल भी नहीं है। अब जॉर्जेट मटेरियल तो आपको पता ही है कैसे वाला होता है, तो ये है। तो अब इसको भी ट्राई करके आते, देखते हैं हम इसमें कैसे लग रहे हैं और कैसे नहीं लग रहे। वैसे आपको पता ही है अभी प्रेगनेंसी की वजह से मेरा थोड़ा सा नहीं, वैसे बहुत ज़्यादा वाला वेट गेन हुआ है। तो मेरे को थोड़ी सी, मतलब मैं थोड़ी सी अजीब दिख सकती हूँ इसमें, अजीब इन द सेंस कि ये, मतलब ये प्रेगनेंसी जो होती है ना यार, ये बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग्स है। मतलब स्टार्टिंग के तो ब्यूटीफुल नहीं थी, लेकिन अब बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। तो थोड़े से कपड़ों का इशू रहता है, मुझे फिटिंग कैसी आएगी कैसी नहीं आएगी वो नहीं पता, लेकिन आप लोगों में बहुत अच्छी लगने वाली है। तो चलो मैं इसको ट्राई करके आती हूँ, फिर देखते हैं कैसी लग रही है। देखते हैं इसमें क्या रह गया है। वाओ, इन्होंने हमारे को प्लाजो भी दिया है। ये है हमारा प्लाजो, ये देखो नीचे इसमें ये क्या हो, चिकनकारी क्या बोलेंगे इसको, वो वर्क हो रखा है नीचे बॉर्डर में इतने उसमें। और ये है हमारी प्लाजो लेंथ भी मुझे काफ़ी सही लग रही है मेरे हिसाब से। मेरे को तो लेंथ की भी काफ़ी, लेंथ का ही इशू रहता है मुझे, बाकी तो किसी चीज़ का इशू नहीं रहता है। अब तो मुझे चीज़ का भी इशू रहेगा, मतलब खुले खुले चाहिए होते हैं। पहले मुझे ये उसका कोई इशू नहीं होता था, मतलब साइजेस का ज़्यादा वो नहीं होता था, मेरे को आराम से मिल जाते थे। लेंथ का दिक्कत होती थी, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो हाँ, एक हमारे को इसमें ये वाइट प्लाजो मिला है, और वाओ इन्होंने हमारे को लेगिंग भी दिया हुआ है। ये ऑफ वाइट से कलर में, इसको खोल नहीं रही हूँ गाइस, ऑफ वाइट कलर में इसमें हमारे को लेगिंग मिली है, प्लाजो मिला है जो आपके इन कुर्तियों के साथ चलेगा, तो बहुत बढ़िया। तो इसको हो गया हमारा ये। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे की तरफ। लेगिंग प्लाजो तो आप देख ही लोगे, इन कुर्तियों के साथ में यही पहनूंगी जब आप देख रहे होंगे। चलो इसमें क्या है, आईडी बताऊं मैं आपको, स्नो ड्रॉप 8254। ये भी खुला हुआ है बट मैंने नहीं देखा गाइस, कसम से मेरे को ऐसी एक्साइटमेंट हो रही थी ना, कब जैसे मैं वीडियो बनाऊं, मैंने बस ये पार्सल लिया, फ़ोन पकड़ के बैठ गया, अभी तक मैंने फेस वॉश भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और अभी टाइम बताऊँ आपको तो 11:30 हो रहा है अभी मैं इस वीडियो को शूट कर रही हूँ, क्योंकि चुल्ली ऐसी थी कि दिखाना है। वाओ, जोर से बोला मैंने, कलर देके वाव निकला मेरे से। ना, इतनी सुंदर सुंदर कुर्तियां है ना यार ये, कि मैं आपको क्या ही बताऊं, अमेजिंग। ये देखो, इस तरह का है, सेम मटेरियल वही है, बस कलर डिज़ाइन थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ, सेम वही जॉर्जेट मटेरियल में है, लाइनिंग लगा हुआ है, और कलर बहुत प्यारा है इस वाले उसका, इस वाले उसका, इस वाली कुर्ती का। क्योंकि इसका ये नेक भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, फ्रंट से जो इसमें इधर बॉर्डर बॉर्डर लगा हुआ है, तो बहुत ही सुंदर कुर्ती है। स्लीव्स भी इसके ऐसे, यार मतलब इतना हैवी है ना ये, बहुत तगड़े वाला मटेरियल मटेरियल है मतलब। तो कलर इतना सुंदर है इसका, पहन के आती हूँ, तब तक आप आगे देखो। हमारी थर्ड नंबर वाली कुर्ती, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अभी भी इसमें कुछ बचा हुआ है, देखते हैं क्या बचा हुआ है। वाओ, इस कलर का तो क्या ही कहना, मैं क्या ही बताऊंगा आपको, कितना ज्यादा प्रिटी लग रहा है ये कलर, है ना।
बहुत सुंदर कलर है दोस्तों, और वैसे भी आजकल इस कलर का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है, तो ये भी इस तरह से है, जॉर्जेट मटेरियल में है, लाइनिंग लगी हुई है, और इसमें सबसे अच्छा ना मुझे इसका कलर लगा, कितना प्यारा है, और वाइट के साथ, मतलब इसको ऐसे देखेंगे ना आप, वही ऐसे लगेगा, ऐसे देखने पर ये लग रहा है कि बहुत मोटे हैं, बट बताऊँ तो इतने पतलू से है ये, देखो बहुत सुंदर है यार, बस शब्द नहीं है सुंदर के सिवाय मैं क्या बोलूँ। बहुत ही प्यारी कलेक्शन है इनकी, मैंने इनके पेज पर भी देखा था, बहुत ही सुंदर है, यूनिक यूनिक कुर्तियाँ आपको मिलने वाली है। चलो इसको पहन के आते हैं, फिर ही देखते हैं कैसे लग रही है, क्योंकि इसको पहनने की तो मुझे एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा हो रही है कि मैं इसमें कैसी लगूंगी। बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, क्योंकि अब सीधा नहीं बैठ जाता, सीधा नहीं बैठा जाता, और पंखा यहाँ पे इतने कछुए की रफ्तार से भाग रहा है ना, तो अब हमारा इस पूरी वीडियो की लास्ट, वाव वाव ही निकल रहा है, क्योंकि कलर सारे इतने प्यारे प्यारे थे ना। ये देखो, ये ब्लैक कलर में, ब्लैक कलर नहीं मतलब ब्लैक उसमें है, ऊपर से इसमें ये मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे को खुशी हो रही है इतनी ज़्यादा यार, क्योंकि मेरे को ना ऐसे कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, और आजकल वैसे भी मेरे पास कपड़ों की बहुत कमी है, क्योंकि जो मेरे सारे पुराने कपड़े थे वो मेरे को टाइट हो गए, तो फिर ये जो अब मुझे नई शॉपिंग करने की वैसे भी ज़रूरत थी, और ये वाला तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, लूज लूज सा ये लग रहा है मुझे, एकदम फिट आएगा मुझे, ये देखो कुछ इस तरह का है। मैं आपको बाकी जब पहन के दिखाऊंगी, पहन के आऊंगी ना, तब सारी चीज़ अच्छे डिटेल में बताऊंगी, बताती हूँ कि क्या हूँ, कैसे कैसे लग रहा है। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो से तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको कोई भी कुर्तियाँ पसंद आई है, या इनके इंस्टा पेज पे आप इनकी कलेक्शन चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही सुंदर है, यूनिक और रॉयल, क्योंकि मेरे को बहुत प्रिटी लगे, और मैं ऐसे कुर्तियाँ बहुत टाइम से सर्च भी कर रही थी, बट मेरे को नहीं मिल पा रही थी, और जो ऑनलाइन देख रही थी मेरे को थोड़ा सा डाउट था उन पर, लेकिन ये एकदम मस्त है। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं, मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।